मान जी आदित्य जी रितेश जी राहुल जी मी सगळ्यांना विनंती करते की आपण साफ्याची फुलं अर्पण करावी. माँ साहेब मीनाताई ठाकरे यांच्याही प्रतिमेला आपण साफ्याची फुलं अर्पण करणार आहोत आणि अर्थात धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्याही प्रतिमेला आपण साफ्याची फुलं अर्पण करणार आहोत. सगळ्यांना वंदन करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. सगळ्या मान्यवरांकडून चाफ्याची फुलं अर्पण केली जात आहेत प्रतिमेला. छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री माननीय दादा भुसेजी यांनाही मी विनंती करते की त्यांनीही व्यासपीठावर या. सलमान खान ने शिवाजी महाराज को दी ऐसी इज्जत, बड़े बड़े नेता मुंह ताकते रह गए. इन दिनों तमाम सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं. आखिर ऐसा सलमान ने क्या कर दिया जिसके चलते लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, आइए हम आपको इस न्यूज में बताते हैं. दरअसल बीते दिनों सलमान खान एक कार्यक्रम के लिए गए थे जहाँ सलमान के अलावा कई नामी हस्तियां मौजूद थी. ये कार्यक्रम मराठी फिल्म धर्मवीर के ट्रेलर को लॉन्च करने का था. बता दें कि धर्मवीर फिल्म शिवसेना नेता आनंदी दीघे की जिंदगी पर बनाई गई है. इस ट्रेलर लॉन्च के कार्यक्रम में सलमान खान के अलावा महाराष्ट्र के सीएम और कई नेता और बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल थे, लेकिन इस समारोह में एक घटना ने सभी का दिल जीत लिया. दरअसल इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब ठाकरे के सम्मान में फूल से सम्मानित करने का आयोजन रखा गया था. इस आयोजन में पहले तो उद्धव ठाकरे नंगे पांव फूल से नामी हस्तियों का सम्मान किए, उसके बाद कुछ नेताओं ने किया और फिर जब सलमान की बारी आई तो सलमान उद्धव ठाकरे को नंगे पैरों के साथ सम्मान देते हुए देख उन्होंने भी अपने जूते उतारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी नेताओं ने उन्हें जूते उतारने से रोका और कहा कि आप ऐसे ही सम्मान दे दो. लेकिन बगल से ही रितेश देशमुख गुजरे और उन्होंने नंगे पैर इन नामी हस्तियों को सम्मान दिया. जूते पहने खड़े सलमान का जी नहीं किया कि वो जूते पहने और उनका सम्मान करे. फिर सलमान एक कोने में जाकर बिना किसी की बात सुने अपने जूते उतारे और फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब ठाकरे को सम्मान दिया. और बस सलमान का यही व्यवहार लोगों को काफी पसंद आया क्योंकि वहां पर मौजूद कई नेता थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सलमान ने इज्जत और एहतराम के साथ बाबा साहेब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया और इसी पल ने लोगों का दिल जीत लिया. तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे सलमान के इस व्यवहार पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट में जरूर बताएं.